सांस सांस पर ओम जपी, सांस सांस पर ओम जपी, व्यर्थ सांस मत खोई। सांस सांस पर ओम जपी, व्यर्थ सांस मत खोई, न जाने किस सांसन का आवन हुई न हुई। नमस्कार, वंदन, प्रणाम, कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित होने को जा रही है श्राद्ध के 11वें दिन की पवित्र संध्या। मैं आप सबको निमंत्रित भी करता हूँ और ले चलता हूँ शांति समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। इससे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा। जैसे जैसे हम जीवन को जीते जाए, जीवन को समझते जाए, जीवन का अनुभव लेते जाए, ऐसे ऐसे हमारे में से मृत्यु का भय तिरोहित होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? अगर ये प्रश्न आप मुझे पूछो तो मैं कहूँ, मृत्यु से पहले मृत्यु का भय संपूर्ण समाप्त हो जाना चाहिए, तिरोहित हो जाना चाहिए। इस समझ के साथ हमें जीवन को जीना है, जीवन को समझना है, क्योंकि जो अंत है उसे भी समझना है कि ये जीवन कहाँ पर अंत हो रहा है और किस तरह से प्रारंभ हो रहा है। आज मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ महाकाल भैरव अष्टकम कृति है ये, नृत्य सबर कृति। क्या है ये स्वरूप, महाकाल का स्वरूप? इसमें दो बात समझनी है। पहली बात है, ये जो पूरा स्वरूप है उसका दर्शन हमारे भीतर, हमारे हृदय में, हमारे अंतर जगत में, बहुत गहराई में एक भय है। हम जिसे चिंता कहते हैं उसका संबंध भी भय के साथ है, मृत्यु का ही भय है। चिंता को भी आप गहराई से देखोगे, अनुभव करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो इसका संबंध है वो आखिर में समाप्त होने हो जाने का जो भय है हमारे सबके भीतर, मृत्यु का भय जैसे हम कहें, इसको तिरोहित करने की जो प्रक्रिया है, जो श्राद्ध का समय है, इसमें महाकाल का दर्शन, महाकाल भैरव का दर्शन शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो दर्शन है वो भीतर का जो भय है वो तिरोहित कर देता है, समाप्त कर देता है। दूसरी बात, हमारा जो जीवन है उसमें दो प्रकार की तरंगे हमारा पीछा करती है या हमारे साथ में रहती है हर पल। जिस तरह से सांस उच्छ्वास आते हैं जाते हैं, इसी तरह से एक है दैविक तरंग और दूसरी है पिशाची तरंग, उसे हम असुरी तरंग कहे, दुष्ट तरंग कहे। एक उदाहरण दो समझने के लिए, जैसे कि एक 100 रुपये की नोट पड़ी है, हमारा ध्यान जाता है 100 रुपये की नोट के ऊपर। अब दो संभावना है, जो हमारा मन है दोनों से प्रभावित होता है, पिशाची शक्ति से भी, असुरी शक्ति से भी प्रभावित होता है, दैवी शक्ति से भी प्रभावित होता है। दोनों विचार आते हैं, हमें लगता है नोट में रख लूँ, 100 की नोट में रख लूँ, अर्थात असुरी तरंग के साथ संबंध बनता है। और दूसरी ये बात ध्यान में आती है कि ये 100 की नोट किसकी होगी, किसकी गिर गई होगी, मैं उस तक पहुँचा दूँ, तो ये दैवी तरंग है। इसी तरह से अगर आप ठीक से ध्यान इस पर देना शुरू करें तो आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर असुरी तरंग के असर के नीचे मेरा मन जा रहा है, प्रभावित हो रहा है, और यहाँ पर दैविक तरंगे से मेरा मन प्रभावित हो रहा है। आज की जो रचना है, ठीक से दर्शन करें, अनुभव करें, आपको कैसा लगता है? प्रचंड रचना, जिसे हम कहें प्रचंड रचना, इसकी जो शक्ति है, मैं यहाँ तक आपको कहता हूँ कि जब भी आपको लगे कि जीवन में कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आत्मविश्वास नहीं है, इस रचना को ठीक से प्रिजर्व करना, आप सुबह या शाम इस रचना को सुन लेना और उसके बाद देखना आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास। तो मैं प्रकट करने को जा रहा हूँ महाकाल भैरव अष्टकम स्तुति, और इसका जो श्रृंगार आप देखोगे तो इसमें खोपड़ी है, पूरी श्रृंगार में खोपड़ी है। जैसे ऐसे स्वरूप है, महाकाली है, महाकाल है, काल भैरव है, इस तरह के स्वरूप की अभिव्यक्ति में इस तरह का श्रृंगार होता है। और ये भी मैं आपको कहता हूँ कि हमारे भीतर का जो भय है उसको निष्कासित करने की प्रक्रिया है। ये पूरा का पूरा खोपड़ी का श्रृंगार है, ये तैयार किया है श्रीमती
चित्रलेखा मंगलाचरण ने। मैं आप सबको ले चलता हूँ शांति समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। थोड़ा सा ये भी कह दूँ किस तरह से इस प्रक्रिया को देखे, मन को पूरा विश्राम दे दे, शांत कर दे, स्विच ऑफ द माइंड। जिस तरह से हम आकाश में बादल तैरते हुए देखते हैं, नदी का पानी बहते हुए देखते हैं, समुद्र का पानी उछलता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, जो देखते हैं इसी तरह से आप नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का दर्शन करो, नृत्य की पवित्र गति का दर्शन करो, नृत्य के पवित्र श्रृंगार का दर्शन करो और पवित्र स्तुति इसके संगीत का, इसके ताल का ठीक से श्रवण करो। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।